भाजपा के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं कि वो अपनी सच्ची न्यूज के जरिए, सच्ची खबर के जरिए लोगों को दिखाने का काम कर रहे हैं और लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं। मैं हूँ मुमताज अहमद, आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन मंच आपका। आज हम बात कर रहे हैं प्रगतिशील राजनीति की, प्रगतिशील सोच की, प्रगतिशील विचारों की। आज हमारे साथ हुसैनगंज विधानसभा के विधायक बीजेपी के रविंद्र प्रताप सिंह उर्फ धुनी भैया, राजमंत्री भी हैं, मंत्री जी हैं। हम आज अपने दर्शकों को विधायक जी से, मंत्री जी की जो वार्तालाप हो रही है, हमारे इनके बीच जो संवाद है, वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं आईपा मंच के जरिए। मंत्री जी, आपका बहुत बहुत आईपा में स्वागत है। मैं चाहूँगा कि दो शब्द आईपा के लिए आपके हों। आईपा के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं कि वो अपनी सच्ची न्यूज के जरिए, सच्ची खबर के जरिए लोगों को दिखाने का काम कर रहे हैं और लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं। मंत्री जी, पिछले 5 वर्षों की बात की जाए, विकास को लेकर बात की जाए, क्योंकि आप फिर से यहाँ के दावेदारी पे आ रहे हैं, तो 5 वर्षों में आपके द्वारा इस क्षेत्र में कितना काम किया गया और कितना अभी बाकी है? हमारे क्षेत्र की जो बुनियादी समस्याएं थी वो हुसैनगंज से अफोई की सड़क थी, जो 106 करोड़ रुपए की थी और वो बन के तैयार हो गई। दूसरा, हमारे यहाँ जो है नवस्था के पुल की इंदिरा जी की टाइम से मांग चल रही है और वो पुल इंदिरा जी और सोनिया जी दोनों के द्वारा नहीं बनाया जा सका, लेकिन माननीय योगी जी के द्वारा पुल लगभग 90% बन के तैयार हो गया है और 10% जो बचा है वो भी बहुत जल्द बन के तैयार हो जाएगा। तीसरी, हमारे यहाँ की समस्या बिजली की थी, क्योंकि हमारा गंगा बेल्ट है और 20-20 किलोमीटर तारे जाती थी तो पावर नहीं जा पाता, लोगों की मोटरें नहीं चलती थी, लेकिन माननीय योगी जी ने हमें 2 सब स्टेशन दिए। एक हुसैनगंज में 32 KVA का बन के तैयार हो गया है और चालू हो गया है और एक अलीपुर बहरा में एक 11 KVA का पावर हाउस बन गया है, उसका भी चालू होना है और सभी पावर हाउसों का विस्तारीकरण हो गया। तो इस तरह से आज बिजली की समस्या मुझे नहीं लगता है कि पूरे क्षेत्र में किसी भी एक गांव में बिजली की समस्या हो, और आज 16 से 18 घंटे बिजली हर गांव को मिल रही है। और चौथी समस्या एक नहर में पानी की थी, 20 साल से हमारे नहर में पानी नहीं आया था, आज अभी भी आप आए होंगे तो पानी चल रहा। तो इस तरह से जो हमारा डार्क जोन में हराया ब्लॉक, हदगाम ब्लॉक, बिटौरा ब्लॉक आ गया था, अब आज डार्क जोन से बाहर हो गया, अब आज 60 फुट पे स्टेटा आ गया है, 40 पे आ गया है, तो आज वो भी समस्या हमारे यहाँ की दूर हो गई है। गांवों में अधिकांश 80% से ज़्यादा सड़कें बन के तैयार हो गई हैं, 10-5% मजरे ऐसे होंगे जिनमें अभी सड़कें नहीं बनी हैं और वो भी बन के तैयार हो जाएंगी बहुत जल्दी, इस वर्ष में उनका ही काम करना है। हदगाम ब्लॉक हमारा प्रदेश में पहले स्थान पे 3 वर्ष से आ रहा है, अपोलो से सीधे कोई भी मर जाए 1 रुपया 1 दिन पहले जमा करिए, रसीद कटाइए, और दूसरे दिन जो भी मर जाए और जो स्पेशलिस्ट है डॉक्टर उससे सीधे अपोलो के डॉक्टर से बात होके उसका इलाज हो सकता है। अभी हमारे यहाँ ऑपरेशन से डिलीवरी नहीं हो पा रही थी, ऐसे साधन नहीं थे, लेकिन अभी हमारा 1 महीने पहले अब हमारे अस्पताल हदगाम में डिलीवरी जो है ऑपरेशन के माध्यम से भी किए जाएंगे। इस तरह से हमारा स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, पिए जल हो, बिजली हो, सड़कें हो, पुल हो, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां की काम नहीं हुआ। आज आप एक काम ढूंढ के ये नहीं बता सकते हैं कि इस विधानसभा में ये प्राथमिकता पे होना चाहिए। आज मैंने जितनी भी समस्याएं जो 50 साल की डिमांड थी वो मैंने 5 साल में योगी जी के शासन में पूर्ण करने का काम किया। मंत्री, अभी कुछ गांव ऐसे हैं गंगा कटरे पे कि वहाँ पर अभी समस्याएं हैं,
तो आपके द्वारा उन समस्याओं को कैसे निवारण करवाया जाए? कौन ऐसी समस्या है आप मुझे बता दीजिए, किस गांव में कौन सी ऐसी चीज है जो नहीं हुई है? जैसे यहाँ पे मथैयापुर साइड में, और नहीं मथैयापुर गंगा बेल्ट में नहीं है, मथैयापुर में डामर रोड आप ऑलरेडी बनी हुई है, स्कूल ऑलरेडी बना हुआ है। आपकी ये जो हदगांव क्षेत्र में एक गांव बताओ ना कोई, मुझे तो मुजवानी याद है सबका, एक गांव बताओ। तो वहाँ के लोग से जब हम लोग मिले, लालीपुर साइड गए और यमरावा साइड गए, तो वहाँ पे थोड़ी बहुत समस्याएं अभी देखिए लोगों के द्वारा की अभी रोड बाकी है थोड़ा सा। और देखिए थोड़ी बहुत समस्या तो एक साइड में विकास होता रहता है, एक साइड से सड़क बनती है दूसरी साइड से बिगड़ती है, इसमें कोई दायरा नहीं है कि 100% कोई काम कभी हो नहीं सकता, लेकिन अधिकांश 80 से अधिक काम हुए हैं और 10-20% ऐसी सड़कें होंगी जिसको मरम्मत अभी नहीं हो पाई, जरूरत है, और ये पंचवर्षीय योजना में वो भी सारी पूरी हो जाएंगी। और मुझे नहीं लगता है ऐसा कोई गाँव बचा हो जिसे बुनियादी समस्या हो, मैंने पूरा हल करने का प्रयास किया और मेरे निगाह में अभी आप भी नहीं बता पा रहे, और अगर आपको कोई दिखाई दे रहा तो सेंक्शन हो गया। जैसे मंडवा की रोड आपको एक दिखाई देगी, एक करमोन की आपको दिखाई देगी चंपतपुर वाली, वो सारी सड़कें सेंक्शन हो गई, टेंडर हो गया, उनमें सब में काम लगना है और वो सब चौड़ीकरण में होगा। एक सवाल और कि जैसे बीजेपी के ऊपर एक आरोप लगता है कि बीजेपी धर्म के आधार पर राजनीति करती है, इस पे क्या है? ये तो विरोधियों की भाषा है, भाजपा हमेशा अपने काम पे विश्वास करती है, राजनीति वो सेवा भाव के लिए करती है, संगठन जो है हमारा सेवा भाव के लिए काम करता है, सरकार हमारे सेवा भाव के लिए काम करती है, वो भोग के लिए नहीं काम करती। बाकी आप मंत्री देख लीजिए, बाकी के विधायक आप देख लीजिए, किसी भी दल के वो सत्ता में आने के बाद फिर राजनीति को एक भोग का अड्डा बना लेते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी न संगठन और न सरकार, वो सेवा करने के लिए आती है और सेवा ही करती है, वो उन्होंने 5 साल में करके दिखा दिया है, चाहे योगी आदित्यनाथ जी हों या उनके मंत्रिमंडल के विधायक हों या मंत्री हों, सभी जो है सेवा करने के लिए आए हैं और सेवा ही करते हैं, उन्हें कोई भी इस तरह का जिससे कि जनता में एक मैसेज जाए कि विधायक और मंत्री एक्स्ट्रा है, वो कोई चीज़ ऐसी आपने देखा नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी किसी भी मंत्री में और विधायक में। मंत्री एक सवाल है कि लोग हर राजनीतिक पार्टी अपने को लोकतांत्रिक कहती है, वास्तव में लोकतांत्रिक है? भाजपा में तो पूरा लोकतंत्र है, हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार है और हर व्यक्ति अपनी समस्या हर बात कर सकता है। कांग्रेस आप देख लीजिए, एक ही पेट से जो पैदा होता है वही अध्यक्ष होता है, समाजवादी में जो मुलायम सिंह से ऊपर नीचे आएंगे वही अध्यक्ष बनेंगे, इसी तरह मायावती में आप देख लीजिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में मैं जिला अध्यक्ष रहा, आज विधायक हूँ, मेरे जेपी नड्डा बूथ अध्यक्ष रहे, मंडल अध्यक्ष रहे, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राजनाथ सिंह बूथ अध्यक्ष थे, मंडल अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बाद गृह मंत्री रहे, आज रक्षा मंत्री है। तो ये भारतीय जनता पार्टी है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष का पता नहीं होता कि हम कब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे, ये कोई जानता नहीं है, और ना कोई बूथ अध्यक्ष जानता है कि मैं कब जिला अध्यक्ष बन जाऊंगा, ये पता नहीं होता, वो बन के आ जाता। युवाओं की भागीदारी कितना सार्थक मानते हैं राजनीति में? देखिए हमारे यहाँ अगर आप देखिए तो युवा और महिलाएं सबसे ज़्यादा प्राथमिकता में देखने को आपको मिलेगी, उसका रीजन है कि अगर आज कहीं भी सम्मान और सुरक्षित है या सम्मान किसी को दिया देने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। आज युवा जो आप भारतीय जनता पार्टी में देख रहे हैं बाबा योगी जी के साथ चल रहे हैं, आज पहली बार है कि 4.5 लाख की नौकरियाँ दी गई हैं, एक भी नौकरी में कोई नहीं कह सकता है कि हमें विधायक ने भर्ती कराया है या मंत्री ने कराया है या किसी अधिकारी को हमने 10 लाख रुपया दे के भर्ती पाई है, आज सारे लोग ये कह सकते हैं कि हम अपने टैलेंट के दम पे, अपनी योग्यता के दम पे हम पुलिस में भर्ती हुए हैं और हम मास्टर हुए हैं, हम सिग्नेटरी हुए हैं, कोई नहीं कह सकता है कि हमारे ऊपर किसी का एहसान है, उनके ऊपर किसी का एहसान नहीं है, उनकी योग्यता ही उनका एहसान है, और ये किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही श्री योगी आदित्यनाथ ने किया है, बाकी किसी सरकार में आप बता दो जो बिना पैसे के भर्ती हुई हो। एक सवाल और है,
क्योंकि आप चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, तो कौन से एजेंडे लेके आते हैं? हमारे पास सबसे बड़ा एजेंडा यही है कि जो विकास की गति चल रही है वो इसी तरह चलती रहे, और कानून व्यवस्था, आप जानते हैं जब अखिलेश की सरकार थी तो हमारे यहाँ एक नई दक्षियों रोड होल्ड अप हुए, लोगों को गोली मारी गई, हत्याएं की गई, लूट की गई, दिन में एक बजे की गई, लेकिन आज योगी जी की सरकार में 5 साल एक भी राजनी नहीं हुई, एक भी व्यापारी नहीं लूटा गया, एक भी अपहरण नहीं हुआ, इसलिए हमें वोट लोग करेंगे, योगी जी को मत करेंगे, जिससे कि ये कानून व्यवस्था बनी रहे और लोगों में सुख और शांति का एहसास हो। कानून व्यवस्थाओं के क्या कहें? कानून व्यवस्था तो आप हमारे थानों का रिजल्ट देख लीजिए ना, कि हमारे यहाँ 151 भी नहीं होता, एक भी रोड होल्डअप नहीं हुआ, एक भी राजनी नहीं हुई, एक भी आर्थिक पैसे के लिए हत्या नहीं हुई, ये मामूली बात नहीं है, ये योगी जी की देन है, योगी जी का प्रताप है कि आज सारा बदमाश या तो सूरत चला गया, बम्बई चला गया, और या तो जेल चला गया, एक भी हमारे क्षेत्र में दिखाई नहीं देगा, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं दिखाई देगा, ये प्रताप हमारे मुख्यमंत्री का है, और ये प्रताप के लिए जनता खुल के वोट कर रही है, दिन में कर रही है, अभी हमने आप ही से पूछा तो आप ही ने बताया कि आज 600 सीटें फतेहपुर की जीत रही हैं, और ये अगर कहीं योगदान है तो मुख्यमंत्री जी का है और मोदी जी का। एक सवाल बहुत उठ के आता है, विपक्षों का कहना है कि बीजेपी सिर्फ जुमलेबाजी की बात करती है। काम की कौन बात करता है? जुमलेबाजी तो उनका लैंग्वेज है, एक हाथ काम बता दो ना। अखिलेश यादव ने फतेहपुर जिले में क्या दिया? मायावती ने 5 साल शासन किया, क्या किया? हमारी सरकार तो बता देगी कि हमने इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज बनवाया, हमने राजकीय इंटर कॉलेज बनवाया, हमने हुसैनगंज की सड़क बनवाई, हमने अलीपुर में अस्पताल बनाया, हमने जो है नहर 65 करोड़ की बनवाई, हमने जो है पावर हाउस 32 KVA का बनवाया, हमने 11 KVA का बनवाया, इसके बावजूद भी आपको जुमला लगता? अगर उन्होंने कोई काम किया है तो हिम्मत है तो इसी तरह बोल के दिखा देना कि हमने ये किया। ये तो हमारे साथ यहाँ हुसैनगंज के विधायक और मंत्री जी, जिन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने विकास कराया है, विकास के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे, और हमारी सरकार में कोई भी जुमलेबाजी की बात नहीं होती, सिर्फ हमारे सरकार विश्वास रखती है तो काम पे, विकास पे। अब आने वाले चुनाव में मंत्री जी को जनता कहाँ तक पहुँचाती है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मुमताज़ अहमद, आईपा, फतेहपुर।